क्या आपको कमजोरी या थकावट रहती है? क्या आपके चेहरे का रंग पीला है? क्या आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है या आपका सांस फूलता है? अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप में खून की कमी यानी अनीमिया हो। नमस्कार, मायोपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरोला हूँ और आज मैं आपको खून की कमी के कारण और उपचार के बारे में बताऊँगी। महिलाओं में खून की कमी का एक प्रमुख कारण होता है कि उनकी डाइट में आयरन युक्त भोजन की कमी है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, क्योंकि आपके बच्चेदानी में कोई रसौली है यानी फाइब्रॉयड है, या हो सकता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। प्रेगनेंसी के समय भी खून की कमी अक्सर महिलाओं में हो जाती है। इसके अलावा खून की कमी के और कारण हो सकते हैं कि आपको पेट में कैंसर है, पेट में पॉलिप है या पेट में कोई अल्सर है। अब इसके बाद मैं आपको खून की कमी से संबंधित टेस्ट और उपचार के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। बट इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि अगर आप में खून की कमी होती है तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपको जल्दी कमज़ोरी या थकावट भी महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ कई महिलाओं के नाखून और बाल कमज़ोर और कच्चे होते हैं और जल्दी टूटते हैं। और कई बारी जो महिलाएं होती हैं जिनको खून की कमी होती है, वो चौक, मिट्टी, बर्फ़ आदि ये भी खाती हैं। इसे हम पीका कहते हैं। अगर आप गर्भवती हैं यानी प्रेग्नेंट है, तब खून की कमी के कारण बच्चा भी कमज़ोर हो सकता है और बच्चे के जन्म के समय वज़न भी कम हो सकता है। अगर आपको शक है कि आप में खून की कमी है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने खून की जांच करानी चाहिए। खून की जांच के लिए आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए। ये खून की जांच है जो 60 से 70 रुपए की होती है, और देखा गया है कि नॉर्मल में महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12 से 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। कई बार डॉक्टर जो है आपके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच भी लिखते हैं। इसे हम CBC टेस्ट कहते हैं और ये 200 से 300 रुपए का होता है। और इस टेस्ट को करवाने के बाद डॉक्टर को आपके खून की कमी के बारे में और भी जानकारी मिलती है। अगर आप महिला हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है पीरियड्स के समय, तो अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाइए। हो सकता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई रसौली या गांठ हो। और अगर डॉक्टर को लगता है या उनको शक होता है आपके लक्षण के आधार पर कि आपके पेट के अंदर कोई कैंसर, पॉलिप या अल्सर है, तो वो आपको एंडोस्कोपी की जाँच की सलाह भी ज़रूर देंगे। अब हम आखिर में सबसे ज़रूरी बात करेंगे कि अगर हमारे अंदर खून की कमी है तो हमें क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहले आपको डाइट में, अपने खान पान में हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है। आप पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, आप राजमा और छोले भी खाइए। फलों में आप अनार ले सकते हैं, आप चकुंदर का सलाद भी बनाइए, इसमें भी काफ़ी आयरन रहता है। और जैसे कि सर्दियों का मौसम है, आप बादाम और किशमिश भी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, मीट और चिकन का प्रयोग भी ज़रूर करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 12 से 12.5 ग्राम पर डीएल के बीच में होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 10 या 10 से कम है, तो इस समय डॉक्टर आपको आयरन की गोलियाँ खाने की सलाह देंगे। ये 3 महीने का कोर्स होता है और ये दवाई जो होती है ये डेक्स ऑरेंज हो सकती है, हीमाप हो सकती है या फेरियम XT हो सकती है। अगर आप ये गोलियां लगातार 3 महीने के लिए लेंगे तो आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 2 ग्राम पर डीएल ज़रूर बढ़ जाएगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो 8 या 8 से कम है, तो इस समय डॉक्टर आपको आयरन के इंजेक्शंस की सलाह देंगे। ये आयरन सुक्रोज के नाम से मिलते हैं, तकरीबन 300 रुपये का एक इंजेक्शन है, बट इसको आपको डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना है। और आखिर में, अगर आप अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं, आपका लेवल 6 या 6 से कम है, आप प्रेग्नेंट हैं या आपको खून की कमी है, उसके लक्षण ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, तो इस समय आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की सलाह भी दी जाएगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होगा। और अगर आपको शक है कि आप में भी खून की कमी है, तो अपना टेस्ट जो है वो जल्द से जल्द ज़रूर करवाइए। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मायोपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अगर आपको मायोपचार के डॉक्टर से बात करनी है तो आप मायोपचार की ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए।